आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों कि मुंबई एक्सप्रेसवे पे सीएनजी पंप खुल चुका है। जयपुर से दिल्ली जाते वक्त आपको सीएनजी पंप रास्ते में पिनान के टोल प्लाजा के पास ही 5 किलोमीटर आगे, और ये रहा 91 का रेट। दोस्तों नमस्कार, मैं मदन अपने यूट्यूब चैनल एटी ब्लॉग में करता हूँ स्वागत। दोस्तों मेरी ट्रिप स्टार्ट हो गई है दिल्ली टू बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी, जहाँ पे आप लोग जानते होंगे कि आत्मा की साया होता है या जो भी है वो सब चीज़ हटाया जाता है उधर, या लोग दर्शन करने भी जाते हैं बालाजी की महाराज की कृपा से। वहाँ पे प्रेतराज सरकार, बालाजी महाराज, भैरव और गणेशपुरी महाराज जी सारे वहाँ पे स्थित है। तो दोस्तों अभी जो मैं पिकअप किया हूँ वो पहाड़गंज से किया हूँ, और ये राउंड ट्रिप है, जाना आना दोनों करना है। और ये देख सकते हो आप कि मैं ये अपना पीछे वाला रास्ता से जा रहा हूँ। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बताऊँगा कि इस ट्रिप में क्या क्या टोल खर्चे आने वाले हैं, कितने का टोल लगेगा एंड कितना खर्चा आएगा। तो दोस्तों ये सुहाना बाईपास वो है अपना हाईवे, और ये हमारे कस्टमर है जो जिनको मैं लेके जा रहा हूँ, और मतलब रिलेशन में भी है, ज़्यादा वो नहीं है कि हाँ कोई, हम लोग फ्रेंडली है और इन्जॉय करते हुए जा रहे हैं सभी बंदे। तो देख सकते हैं पूरा फैमिली टूर है, अच्छा लगता है मोमेंट में जब आप जाते हो कहीं, और मतलब बहुत बढ़िया लगा। अब हम लोग निकले हैं सुबह 10:15 के बीच में, और 10:15 के बीच में दोस्तों जब हम लोग का टारगेट है कि हम लोग पहुँचेंगे अपना कम से कम मेरे हिसाब से 4 बजे के आसपास में, क्योंकि रास्ते में चाय पानी पीना है। और हम लोग जो जा रहे हैं मुंबई एक्सप्रेसवे से जा रहे हैं दोस्तों, हम सुहाना का टोल प्लाजा पार कर दिए हैं, अब इसके बाद मुंबई एक्सप्रेसवे आने वाला है दोस्तों, है ना। तो आप लोग को भी कहीं जाने का प्लान कर रहे हैं आप लोग, तो आप हमें डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हम लोग आपस में सारे बंदे इन्जॉय करते हुए जाते हैं, और बहुत बढ़िया लगता है जब हम कस्टमर एक रिलेशनशिप फील करता है, ठीक है दोस्तों। तो ये वाली बात है दोस्तों कभी भी जब भी आप बाहर के टूर करते हो ना, तो मतलब कस्टमर की हम लोग जानकारियाँ देते हैं कि कस्टमर को क्या आएगा क्या नहीं है रास्ते में, क्या है नहीं है, ये सब पॉइंट टू पॉइंट आपको बताना चाहिए। इससे क्या होता है ना कि आपको एक कस्टमरशिप बिल्ड, रिलेशन बिल्ड होता है हमेशा। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो मैं मुंबई एक्सप्रेसवे पे आ चुका हूँ। इससे क्या होता है दोस्तों कि ये मुंबई एक्सप्रेसवे ना बहुत ही एक शानदार और ये व्यू पॉइंट ऐसा है मुंबई एक्सप्रेसवे कि ये डायरेक्ट मुंबई तक जाती है हाईवे, और इस पर ना भाई गाड़ियाँ जो चलती है ना बहुत ही एक रफ गाड़ी चलती है, लगभग 150 से 200-250 किलोमीटर के प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलती है। बट अपनी तो गाड़ी की भाई लिमिट है 80 से ऊपर चलाएंगे नहीं, और 80 से ऊपर जाएगी भी नहीं, है दोस्तों। तो आपको सामने जो अभी ये देख सकते हैं कि आ रहा है मुंबई एक्सप्रेस वे, वेलकम टू मुंबई एक्सप्रेस दोस्तों, तो ये वाली बात है। और देखिए ट्रक हो या कुछ भी हो, मुंबई एक्सप्रेस वे का दृश्य आप लोगों ने देखा दोस्तों। अब मैं आ चुका हूँ अपना ये बालाजी, और बालाजी पहुँच गया ये 4:15 दोस्तों। बालाजी ये अपना देख सकते हो, ये बालाजी ट्रस्ट का ये पूरा वो है रोड, और हमने जो ये देखिएगा नीचे मेरी गाड़ी लगी हुई है दोस्तों, और मैं अपना होटल में आश्रम जिसको बोलते हैं हनुमान सेवा सदन आश्रम है, तो आप देख सकते हो उसी में हूँ मैं। ये नीचे जनरेटर वगैरह लगा है, और चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें कैसे कैसा रूम है, फिर आप अगर टोल वगैरह की बात करेंगे दोस्तों। दोस्तों देखिए ये जो रूम है ये 650 रुपये हम लोगों से लिया सिर्फ एक दिन का, और इसमें एसी वगैरह अपना एसी है, फिर उसके बाद आपका टीवी वगैरह है, पानी है ठंडा वगैरह, तो ये सब चीज़ दोस्तों। और ये सारा नीचे हम लोग फर्स्ट फ्लोर पर लिए, 106 नंबर हमारा रूम दोस्तों। अब मैं वहाँ से चल के आ गया हूँ मुंबई एक्सप्रेसवे पे, और वापस जा रहा हूँ दिल्ली। तो ये देख सकते हो आपके सामने भाई, कसम से ये एक कहते हैं ना वो बिक रहा है कि भाई सीएनजी पंप आपको मुंबई एक्सप्रेसवे पे खुल गया है। आप देख सकते हो इसका लोकेशन मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, तो आप जाके चेकआउट कीजिए कि ये मुंबई एक्सप्रेसवे जो है ना वो उस पर ये पहला सीएनजी पंप है, मुंबई एक्सप्रेसवे पे सीएनजी पंप। भाई जयपुर से जब आप आते हो तो जयपुर से आते हुए आपका सीएनजी पंप है दोस्तों, है ना। तो वो मतलब लेफ्ट हैंड में पड़ेगा, जाते हुए तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ये फर्स्ट अभी 1 महीना पहले ही ओपन हुआ है, जब जैसे कि ये हमारे उस्ताद जी ने बताया है। तो बहुत ही एक मज़ेदार, इन्जॉयमेंट करो भाई,
तो दोस्तों ये जो एचपी वाले ने भाई साहब लगाया, बहुत थैंक यू यार इनको दिल से, क्योंकि ये जो है मतलब कि आप समझ के चलो कि यार गैस भी ज़्यादा महंगी नहीं है, मतलब 91 रुपये गैस है और 105 रुपये राजस्थान में पेट्रोल है, तो कंपेयर टू पेट्रोल डीजल दोनों चीज़ें से ठीक है गैस। और भाई एक सिलेंडर में अगर आप जयपुर डलवा लेते हो तो रास्ते में ये पन्ना पन्ना करके कुछ एरिया पड़ता है, मैंने लोकेशन दे दिया, आप चेक कर सकते हो जा करके, तो ये आपको वहाँ मिल जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अभी चलते हैं दिल्ली की तरफ और फिर मैं आपको बताऊँगा कि मेरे को अपना टोल कितना लगा, टोल टाइम कितना लगा, खर्चे कितने लगे, सब कुछ मैं बताऊंगा और बुकिंग कितने की थी ये भी बताने वाला दोस्तों। तो आप लोग बने रहना ब्लॉग में दोस्तों। चलिए अब मैं बताता हूँ कि ये मैं आ चुका हूँ हरियाणा बॉर्डर के पास, ठीक है, अपना राजस्थान हरियाणा बॉर्डर है वहाँ पे आ चुका हूँ दोस्तों। अब क्या है कि मेरे को टोल जो लगे हैं जाते वक्त 125 सुहाना लग गए, ठीक है, जो आपको पता होगा मुंबई एक्सप्रेस से, बट मेरे को यहाँ से लगी है 247 किलोमीटर गाड़ी चली थी अपना बालाजी के लिए, ठीक है दोस्तों, 247 किलोमीटर गाड़ी चली। और उसके बाद दोस्तों कि जो टोल लगा 305 रुपये का उस पर लगा, एक्सप्रेस वे में मुंबई एक्सप्रेस वे टोल लगा, कोई ज़्यादा खास नहीं है बट टाइम सेफ है, सब कुछ है, लेकिन हाँ इस रूट में थोड़ा सा ढाबा का इशू है, ढाबा वगैरह कोई अभी अच्छे बने नहीं उतने और जो बने उस पर ठीक खाना है नहीं, तो ये वाली बात है दोस्तों। और दूसरी बात मैं बताऊँ आपको कि 305 और 125 कितना होता है, 430 टोल जाने में लगा है दोस्तों। और अपना बात करें तो भाई आने में जो लग रहा है हमारा अभी इस पर लग रहा है 150 रुपये का रिटर्न में हाफ मुंबई एक्सप्रेस वे पे, और 60 रुपये का सुहाना लगेगा, तो अपना ये टोल लगेगा दोस्तों। और मैं बात करूँ सीएनजी के दोस्तों, तो सीएनजी अपनी जो लगी है वो सीएनजी लगी है, मैंने घर से अपने बुराड़ी से सीएनजी डलवा के निकला था तो उसमें फुल करा के, ठीक है, तो मैं तहारगंज गया पिकअप किया, पिकअप करने के बाद जो अपना ये कहते हैं ना गुड़गांव में जो सुहाना रोड है, ये सुहाना टोल प्लाजा से 12 किलोमीटर पहले आईजीएल के राइट हैंड में पंप पड़ा था, वहाँ पर मैंने गैस डलवाई, गैस डलवाने के बाद दोस्तों वहाँ डली है 210 रुपये का, ठीक है, और यहाँ डली है 530 रुपये का, तो 730 रुपये का गैस में मैं दोस्तों पहुंच गया कहाँ, बालाजी। और बालाजी पहुंचने के बाद मेरे भाई कसम से कह रहा हूँ मैं सो गया था, सोने के बाद कस्टमर घूम फिर के आया, सब कुछ हो गया, उसके बाद अपना फिर हम लोग निकल गए वापस के लिए। तो भाई मैं जब वहाँ ढूंढा ना तो पास में कोई सीएनजी पंप नहीं दिखा, तो मैं जाता रहता हूँ बट इतना गौर नहीं किया कभी कि वहाँ पर सीएनजी पंप है या नहीं है, क्या है, किस पॉइंट पर, क्योंकि उधर का रूट कम लगते हैं ना। बट अभी मैं आपको बता दूं कि जब भी आप जाते हो महुआ होकर जाना चाहिए आदमी को, शॉर्ट फॉर्म पड़ता है 240 किलोमीटर बैठेगा, 240 या उससे कम बैठेगा, महुआ होकर जाते हो महुआ वाले फ्लाईओवर से, तो ये फ़ायदा है दोस्तों। फिर उसके बाद जब महुआ से हाँ एक्सप्रेस वे छोड़ के मैंने जो गाड़ी चलाई थी, जो अपना सुहाना चढ़ाया और जो वहाँ उतरा था वो जो क्या नाम है अपना पन्नानी करके एरिया है, एरिया का नाम जो जहाँ से मेरे को 52 किलोमीटर लगभग उसको गाड़ी चली थी मेरी उस पर नॉन हाईवे मतलब हाईवे एक्सप्रेस वे करो नॉन हाईवे पे एक्सप्रेस वे चली थी, लेकिन ये रहा कि ठीक रहा, मतलब ज़्यादा कोई जाम जुम नहीं मिलता है और अच्छा रहा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि आप लोग भी कभी जाओ ना भाई, कसम से करो इस रूट से जाना, आपको बहुत ही बेस्ट एंड बेस्ट ऑप्शन रूट है, ना तो कहीं टेंशन लेने की ज़रूरत है और ना ही कुछ करने की ज़रूरत है ना दोस्तों। तो मैं वापसी दोस्तों आ चुका हूँ ये मुंबई एक्सप्रेसवे का ये टोल प्लाजा जो नूह के पास पड़ता है दोस्तों, है ना। तो ये भाई अपना आ चुका है तुम्हारा, आप देख सकते हो रात का नज़ारा, इसको बोलते हिलालपुर टोल प्लाजा, इसका जो ये नाम है ये हिलालपुर टोल प्लाजा है भाई, ठीक है। और जो एंट्री मेरी हुई थी वो हुई थी भाई पिनान टोल प्लाजा से, पिनान से जो कटेगा रास्ता वो महुआ होते हुए आपको बालाजी आगरा रोड पर उतार निकालेगा, ठीक है भाई। तो मेरे को जाने आने में जो टोटल टोल लगे अपना 210 जाने में और 210 आने में और 430 जाने में दोस्तों, तो ये टोल लगे हैं अपने
और भाई अपना जो सीएनजी लगा है 700 रुपये का आपको जाने में बता रहा हूँ, और आने में मैंने गैस डलवा लिया था दोस्तों 1200 रुपये का, बट गैस करा वो सॉरी पेट्रोल, तो मेरा जो इसमें जो खर्चा आया है ना तो उसमें पेट्रोल ज़्यादा नहीं, मेरा 40 किलोमीटर गाड़ी लगभग 40 के आसपास चली है। जैसे पिनान टोल प्लाजा पर जैसे हाईवे पर गाड़ी चलाया हूँ और उसके बाद आपका भाई एचपी का सीएनजी पंप दिख गया करीबन 4-5 किलोमीटर आगे चलने के बाद मैंने गैस भरवाई और भाई टाप एंड टाप चल दिया, मुंबई एक्सप्रेस वे ख़त्म हो रहा है दोस्तों। तो आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा रहा, और इस तरीके से ही आपको भी जाना चाहिए। जो भी मेरी इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों ये सारी शेयर कर दिया हूँ, और आपको मैं बता दूँ तो मेरी गाड़ी इस ट्रिप में जो चल रही है वो लगभग 500 किलोमीटर के दायरे में चल रही, इससे ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो मेरा टारगेट है अभी रात का जो बज रहा है वो बज रहा है 1, मैं 2:10 का टाइम दिखा रहा है मुझे अपना पहाड़गंज पहुँचने का, तो मैं यहाँ पहुँचने जाता हूँ दोस्तों, उसके बाद घर जाकर सोना है, फिर अगले दिन बुकिंग है हरदोई के लिए, तो मैं हरदोई जाऊँगा, फिर उसके अपडेट आप लोग को आगे दूंगा दोस्तों। तो आप लोग ऐसी प्यार दुलार बनाए रखना और अपने भाइयों को सपोर्ट करते रहना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं एंड करेंगे, और भाई आपसे विदा लेना चाहता है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सभी को राम राम, दिल से थैंक यू सो मच, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे।